भिलाई नगर थाने के अंदर घुसकर गुंडागर्दी करने वाले पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे नाराज पीड़ित सतपाल सिंह शुक्रवार की सुबह सेक्टर 10 मार्केट स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बाद में मौके पर पहुंचे सांसद विजय बघेल ने उससे फोन पर बात कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब जाकर सतपाल टावर से नीचे उतरा। गौरतलब है कि वार्ड 64 के कांग्रेसी पार्षद अभय सोनी और उसके पुत्र ने सेक्टर 9 के बाद थाने के अंदर मारपीट की और मामले में शुक्रवार की सुबह प्रार्थी सतपाल सेक्टर 10 स्थित मोबाइल टावर में चढ़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगा। आनन फानन में पुलिस ने दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित सतपाल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें सेक्टर 10 क्वार्टर नंबर 9 20 सड़क 40 निवासी सतपाल सिंह को 19 नवम्बर की रात कॉल कर सेक्टर 9 चौक में बुलाया गया था। इस दौरान पार्षद अभय सोनी, अमन सोनी और उसके साथियों ने मिलकर जोरदार यहां मारपीट की और इसके अलावा जान से मारने की धमकी तक दे डाली। ऐसा बताया जा रहा है कि सतपाल की पगड़ी तक आरोपियों ने उछाल डाली थी। घटना की जानकारी मिलने पर सिख समाज के लोग थाने पहुंचे और पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे के खिलाफ अपराध कायम कर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दबाव को देखते हुए भिलाई नगर पुलिस ने देर रात कार्रवाई की, मगर पुलिस पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे तक को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आरोपियों ने थाना परिसर में ही पीड़ित सतपाल के साथ मारपीट करने लगे और उसकी पगड़ी तक को उछाल दिया। मामला को बढ़ता देख पुलिस ने बीच बचाव भी किया। मामले को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई है। मामला 19 तारीख का था। दो पार्टी जो है आपस में लड़े थे। ये लोग लड़ाई होने के बाद जब थाने में आए तो थाने में FIR लिया जा चुका था। FIR लेने के पश्चात उनको नोटिस भी जारी किया गया था, तो वो स्टेटमेंट के लिए आ नहीं रहे थे। कल रात को उनका स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट होने के बाद आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश कर दिया है। ये तो जांच का विषय है। FIR हो चुकी है, जांच चल रहा है। विवेचना के दौरान जो भी चीज़ें पाई जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, साथ ही कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।